Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा दिनों तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में से एक है। इस शो के सभी किरदारों ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है। इस शो में जेठालाल, दयाबेन, तारक मेहता समेत सभी किरदारों ने बखूबी अपना रोल निभाया है। बता दें कि शो में दयाबेन का किरदार दिशा वकानी कर रही हैं और उनके भाई सुंदरलाल का रोल मयूर वकानी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि असल जिंदगी में भी ये दोनों भाई बहन हैं? जी हाँ, रियल लाइफ में मयूर दिशा के बड़े भाई हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में काम करने से पहले मयूर ने कई गुजराती फिल्मों और सीरियल्स में भी काम किया है। मयूर वकानी की शादी हेमाली वकानी से हुई है और इनके दो बच्चे भी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के एक एपिसोड के लिए वो 20,000 रुपए फीस लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मयूर वकानी की संपत्ति लगभग 27 करोड़ रुपए की है। मयूर वकानी अपने पेशे से एक मूर्तिकार भी हैं। एक्टिंग के अलावा वो मूर्तिकला में भी अपना काफी टाइम देते हैं। उन्होंने कई मूर्तियां बनाई हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिमा भी बनाई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई नरेंद्र मोदी की मूर्ति को 4 करोड़ में नीलाम किया गया था। दोस्तों, इसी तरह की ताजा तरीन इंडस्ट्री की और भी कई खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ सेलेब्स फॉर स्टाइल में। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना। अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।